दोस्तों बमन कुंजल ये जो क्रियाएं हैं उसे मैं खुद करके आपको बताई हूँ कि इसे कैसे करते हैं। कितने लोगों को आपने सुना होगा कि भूख नहीं लगती है, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो अक्सर इन सब बीमारियों से लड़ने की क्षमता डाइजेशन के लिए बमन क्रिया। अब कोरोना ने जो दस्तक दिया है, जो फेफड़ों पे अटैक करता है, श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, तो इसके पहले कोरोना अभी दस्तक दे रहा है, इससे पहले मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ ताकि आप इसे करते रहें और इसका आप लाभ उठाते रहें, ताकि कोरोना से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और आप डेली भाप लेते रहें और बमन क्रिया को करें। और मैं ऐसे आपको आसन और प्राणायाम में भेजती रहूंगी ताकि आप उसे करें और उसका आप लाभ। ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग कोरोना से छुटकारा पाए थे और हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब कोरोना नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग मास्क लगाना भी छोड़ दिए थे, लेकिन कोरोना ने फिर दस्तक दिया है। तो उससे हम कैसे बचाव करें कि हमें लड़ने की क्षमता मिले और जो हमारे फेफड़े पे अटैक करता है कोरोना, उससे हम कैसे बचाव करें, तो चलिए मैं बताती हूँ कि बमन क्रिया हम किस प्रकार से करेंगे कि हमारे फेफड़े को नुकसान कोरोना नहीं कर सकता है, हम उससे लड़ सकते हैं और फिट और फाइन हो सकते हैं। कोरोना के बचाव के लिए हम आपको बमन क्रिया बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र अपने पास रखें और दूसरों को भी आप कहें। इसीलिए मैं ये वीडियो आपकर बनाकर भेज रही हूँ ताकि जब तक कोरोना फैले उसके पहले आप बमन क्रिया को करते रहेंगे तो आपके लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। हो सकता है कोरोना हो लेकिन आपको तुरंत निजात मिल सके। तो चलिए हम बताते हैं कि हम कैसे बमन क्रिया को करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुकड़ू आसन में बैठना चाहिए। कुकड़ू आसन का पोज ऐसे होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ इस प्रकार से। इसमें हमें कुकड़ू आसन, ये है हमारा कुकड़ू पोज है, इसमें हम बैठते हैं और हम पानी को, गुनगुना पानी जो हम सेंधा नमक चुटकी भर डालकर पीते हैं, तो इसी पोज में हमें पीना चाहिए और उसके बाद हमें बमन करना चाहिए। ये हमारा पोज है, कुकड़ू पोज। आप देख सकते हैं हमारे पंजों को और इस प्रकार से हमने किया है। तो इससे आप बमन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिसे घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, वो न करें, वो नॉर्मल भी न करें, ऑपरेशन हुआ है तो, क्योंकि टमी पे दबाव पड़ता है। 2-4 महीने के बाद ही आप इस बमन क्रिया को करें और इसका आप लाभ उठाएं। अभी हम कुकड़ू पोज में बैठे हैं, हमने जल को हल्का गुनगुना किया है और उसमें हमने सेंधा नमक डाला है और हम सहने योग्य चेक कर लेते हैं कि हम इसे पी सकते हैं। तभी, ज़्यादा गर्म हो तब भी ना पिए, ज़्यादा ठंडा हो तब भी आप न पिए, और गुनगुना रहेगा तो आपको बमन करने में आसानी होगी। अब हम गुनगुना जल को लेंगे और उसे हम पिएंगे। इसमें कहा गया कि जो आयुर्वेद के 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसके लिए ये बमन
कुंजल क्रिया राम बाण है। चलिए अब हम बमन कुंजल क्रिया स्टार्ट करते हैं। अब हम जल को इस प्रकार से हमने लिया है। अभी हम नॉर्मल ऐसे हैं, लेकिन जब हम जल को पिएंगे तो हम इस प्रकार से हमें करना है। हमने एक ग्लास ले लिया, अब हम दूसरा ग्लास ले रहे हैं। उसी पोज में अब हम तीसरा ग्लास ले रहे हैं। अब हम आगे टब को रखेंगे। हो सकता है किसी को दो ग्लास में होता है, किसी को तीन ग्लास में, किसी को चार ग्लास में। अब हम चौथा ग्लास लेंगे। आपने देखा जो हमने पानी पिया था, हमने सारा निकाल दिया। और जब पानी निकलता है आपके टमी से तो थोड़ा येलोइश हो जाता है, आपके पित्त और कप बाहर हो जाते हैं। और आप बमन करेंगे तो आपके आई से भी थोड़ा पानी निकल सकता है, नोज से निकल सकता है। लेकिन अभी हमारा थोड़ा जल बचा हुआ है तो हम उसे खड़ा होके करते हैं। लेकिन करने का देख रहे, हमने ऐसे हमने पोज करके जल को पिया था, फिर हमने बमन किया। अब हम खड़े होकर जो थोड़ा जल मेरा बचा है उसे हम बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। जो थोड़ा बहुत जल था उसको हमने निकाला। तो निकालने का आपने देखा होगा कि हमारे दो फिंगर ऐसे अंदर जाते हैं, फिर हमें हल्का सा पुश करना होता है, तब हमारे पेट से जो बचा हुआ पानी है वो बाहर आता है।
हमने आपको बता दिया बमन कुंजल क्रिया कैसे करते हैं। अब करने के बाद हमारा कौन सा प्रोसेस है जिससे जो थोड़ा बहुत बचा है बलगम और कफ और जो हमारे पित्त, तो उसको हम कैसे निकालें। तो इसके करने के बाद हमें शशांक आसन में आना चाहिए। तो हम कोई भी मैट बिछा लें, मैट नहीं है तो आप चादर बिछा लें, जिसे भी आप यूज करते हैं उसे बिछा कर फिर आप बैठ जाएं। तो बैठने के बाद आप शशांक आसन करें। तो शशांक आसन का पोज तो हम ले लेंगे, तो उसमें करना क्या होगा, उसमें हमें कपाल भाति करनी होती है। तो कपाल भाति जब हम करते हैं तो जो हमारे कफ है, पित्त हैं, वो सारे बाहर आ जाते हैं। हमने इस प्रकार से टावल को बिछाया है। अब इसके जो लाभ, ये सर दर्द, माइग्रेन और फेफड़ों के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही अच्छा है ये बमन क्रिया। और यहाँ तक कि अथराइटिस, सूजन के लिए, आपने देखा होगा कि अक्सर महिलाएं पैरों में उनके इतना दर्द होता है, तालुओं में गर्म होता है, उनको झुनझुनाहट सी महसूस होती है हाथ और पैरों में, उससे भी उनको रिलीफ मिलेगा। यहाँ तक कि जो औरतों को रात को सोने में, आपने अक्सर सुना होगा कि वो कपड़े को लेकर रात को बांधती हैं, पैर में बांधती हैं, इतना दर्द होता है उन्हें, पैर में बांधने के बाद वो सोती हैं, वो इस बमन क्रिया को करें तो देखिए धीरे धीरे कितना उनको लाभ मिलता है, इन सब बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आपका वजन कम होगा, चेहरे पे एक प्रकार की मुस्कान और क्रांति, जो चमक हम बोलते हैं। तो फिर हम बात से ज़्यादा अपने हम फेस से बात करते हैं, इसलिए अपने फेस को हमें सुंदर बनाना चाहिए और लोगों को आप जागरूक करें कि इस बमन क्रिया को करें, खुद भी करें और दूसरों को भी जागरूक करें। एक ही काम इसका नहीं है, ये ईचिंग के लिए, दांत खाद खुजली के लिए बमन क्रिया रामबाण। कोरोना से पहले, अभी कोरोना ने दस्तक दिया था, उसके पहले ही मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ ताकि आप करते रहिए, ताकि जो कोरोना का बैक्टीरिया है, कोरोना का जो बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है श्वसन तंत्र से, माउथ से हमारे होके, नोज से होके अंदर जाता है, तो इसे आप करेंगे तो काफ़ी आपको राहत मिलेगी और सांस लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप भाप डेली लेते रहें। यही नहीं कि हमें कोरोना होगा तभी हम लेंगे, उसके पहले आप लेते रहिए ताकि उससे आपको हो तो आपके फेफड़े पे अटैक न कर पाए कोरोना। जब फेफड़े पे अटैक कर देता है तो अभी भी आपने सुना होगा कि अभी तक जिसको कोरोना फेफड़े पे अटैक किया अभी भी वो ग्रसित हैं, कितने लोगों को बाल झड़ गए, फेफड़े की समस्या अभी तक बनी है, उससे निजात पाने के लिए आप इसे करें। चलिए अब हम शशांक आसन में आपको कपाल भाती कैसे करते हैं। देखिए शशांक आसन का पोज, दोनों हैंड आकाश की तरफ, हमारे दोनों पैर इस प्रकार से ब्रज आसन में, और ऐसे दोनों हैंड को हम ले जाएंगे, सांस को होल्ड करते हुए हमें नीचे वापिस आना है इस प्रकार से। हम नीचे वापिस आए और हमें करना क्या है, कपाल भाति शोधन क्रिया। जो आपकी बलगम है, जो आपकी पित्त है, वो सब बाहर निकल जाएगी, जो थोड़ी बहुत बची है अंदर टमी के। आपने देखा जो थोड़ा बहुत बचा है, और जो बिगनर हैं
वो धीरे धीरे करें, एक ही दो ग्लास पिए, थोड़ा सा करें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इसे करें और देखिए इसका अद्भुत लाभ।